dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you ar-Rahim. की continuation है। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में डी एन एस सिक्वेंसिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और डी एन एस सिक्वेंसिंग के सिलसिले में आपको एक ओवरव्यू बताया था उसका एक इंट्रोडक्शन करवाया था और आपको साथ ये भी बताया था कि डी एन सिक्वेंसिंग टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज किया जाता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या प्रिंसिपल है ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये डिस्कस करेंगे कि डी एन सिक्वेंसिंग सेंगर मैथड के जरिए किस तरह से परफॉर्म की जाती है प्रिंसिपल ऑफ डी एन सिक्वेंसिंग टेक्निक बेसिकली ये तीन स्टेप्स पर मुश्तमिल है पहला स्टेप किसी भी डी एन सिक्वेंसिंग टेक्निक में टू जनरेट द फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन एफ डिफरेंट साइजेज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट ठीक है पहला स्टेप ये होगा कि आपने जिस टारगेट डी एन ए को सीक्वेंस करना है जिसका न्यूक्लियोडेड सीक्वेंस आपने डिटर्मिन करना है उसके इस तरह के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे कि हर एक फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो और जब आपके पास वो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएं तो फिर सेकंड स्टेप में आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करते हुए उनको आपने सेपरेट करना है सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड फाइनली यू हैव टू रीड द सीक्वेंस फ्रॉम द जेल तो ये तीन बेसिक स्टेप्स किसी भी डी एन ए सिक्वेंसिंग टेक्निक के प्रिंसिपल में इंक्लूडेड होते हैं अच्छा तो पहला जो स्टेप है इसमें द फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एंडिंग एंड डिफरेंट पॉइंट ये कैसे मुमकिन होगा देखो इसके लिए ऐसा किया जाता है कि ये जो पीस ऑफ डीएनए आप देख रहे हैं इस पीस ऑफ डीएनए को आप इस तरह से फ्रेगमेंटाइज करें कि एक फ्रेगमेंट के अंदर इसका सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड हो और उसके बाद फिर आप इसका दूसरा फ्रेगमेंट बनाएं जिसमें इसके शुरू के दो न्यूक्लियोटाइड्स हों फिर इसका आप इस तरह का फ्रेगमेंट बनाएं जिसमें शुरू के तीन न्यूक्लियोटाइड्स हों इस तरह से आप देखिए कि एक एक न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस थे अगर आप तमाम पॉसिबल लेंथ के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर लें तो इस तरह से आपका ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये अचीव हो जाएगा दो डिफरेंट मैथड्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं उनमें से आप देखिएगा कि एक मैथड ऐसा होगा जिसमें इस टारगेट पीस ऑफ डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स बनाए जाएंगे इसकी डिफरेंट कॉपीज लेकर उनको हम डिफरेंट पॉइंट से कट करके ये इस तरह के फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस कर लेंगे और दूसरा एक और मेथड है जिसमें हम इस टारगेट पीस ऑफ डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे यानी जी के अपोजिट सी और जी और टी के अपोजिट सी और ए और इस तरह से करके आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रैगमेंट्स बनाएंगे तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं दोनों तरह से आप उसके न्यूक्लियोटर सीक्वेंस को डिटर्मिन कर सकते हैं यहां पर तो आपको समझाने की गर्ज से ये जो एक टिपिकल पीस ऑफ डी एन ए यहाँ पर दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपको ये यह सीक्वेंस यहां पर लिख के दिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअली जब आप ये टेक्निक परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो डीएनए आप सीक्वेंस करने जा रहे होते हैं उसका सीक्वेंस बिल्कुल आपको पता नहीं होता डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक में पहले स्टेप को अचीव करने के लिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि दो मैथडन मैथड एंडर इज कॉल्ड मैक्सम गिलबर्ट मैथड सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड में बुनियादी डिफरेंस यह है कि सेंगर मेथड को डाइडियोक्सी मेथड या इंजाइमेटिक मेथड भी कहते हैं या इसको चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं बिकॉज ड्यूरिंग दिस सेंगस मेथड आप टारगेट पीस ऑफ डीएनए को पीसीआर करेंगे यानी उसको रेप्लीकेट करवाएंगे और डिफरेंट के ऊपर उसकी को टर्मिनेट करेंगे आपके पास एक पीस ऑफ डीएन है इसको आप रेप्लीकेट करवाने लगते हैं तो पहली बार एप्लीकेशन को आफ्टर वन न्यूक्लियोटाइड टर्मिनेट कर देंगे सेकेंड टाइम रेप्लीकेशन को आफ्टर टू न्यूक्लियोटाइड टर्मिनेट करेंगे थर्ड टाइम रेप्लीकेशन को आफ्टर थ्री न्यूक्लियोटाइड टर्मिनेट करेंगे इस वजह से इसको चेन टर्मिनेशन मैथड भी कहा जाता है और इसमें जाहिर है कि मकसद ये है कि अभी आप देखिएगा कि ये जो चेन टर्मिनेशन का मैंने जिक्र किया है कि डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन को आप टर्मिनेट कर पाएंगे तो वो डिफरेंट पॉइंट पर एप्लीकेशन को कैसे टर्मिनेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट पर एप्लीकेशन को टर्मिनेट करने के लिए खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड की, की जरूरत पड़ती है जिसे डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं तो इस वजह से इस मैथड का नाम डाइडियक्सी मैथड भी है बहरहाल अभी हम इस मैथड को डिटेल में देखते हैं तो आपको ये तीनों जो नेम्स हैं इसके डायडियोक्सी मैथड या एंजाइमेटिक जैमेटिक मैथड या चेन टर्मिनेशन मैथड इनकी लॉजिक समझ में आ जाएगी दूसरी तरफ एक और मेथड भी है इस पहले स्टेप को अचीव करने के लिए दैट इज नोन एज मैक्सम गिलबर्ट मेथड। विच इज ऑल्सो नॉन एज केमिकल क्लीवेज मैथड इसमें हम किसी इन्जाइम को यूज करने के बजाय खास किस्म के केमिकल्स यूज करते हैं जो डीएनए को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर सकते हैं यानी इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जो डीएनए मॉलिक्यूल को इस पॉइंट पर कट करेंगे कुछ केमिकल्स कर ऐसे होंगे जो इस पॉइंट पर कट करेंगे कुछ केमिकल्स कर ऐसे होंगे जो इस पॉइंट पर कट करेंगे तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट पर डी को कट करके डिफरेंट साइज के प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी वो जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट होने चाहिए हर एक फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है इस मेथड के जरिए भी बहरहाल ये मेथड आपके पास बुक के अंदर मौजूद है एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल के तौर पर इस वक्त हम इस मेथड को डिस्कस नहीं कर रहे हम इस सेंगर मेथड पर कन्फाइंड करेंगे सिर्फ इस सेंगर मेथड के बारे में फर्दर डिटेल में हम जाते हैं सेंगर मेथड असल में फ्रेडरिक सेंगर के नाम से मंसूब है फ्रेडरिक सेंगर ये एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था और आपके नॉलेज के लिए ये बताते चलें कि ये वो शख्स है जो कि दो दफ़ा नोबेल प्राइज़ विन कर चुका है और पहली बार इसने जो नोबेल प्राइज़ विन किया था वो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटर्मिन करने पर इसको नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ था 1958 के अंदर जब इसने इंसुलिन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया था कि इंसुलिन प्रोटीन में दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं और दोनों पॉलीपेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या होगा पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा तीसरा कौन सा होगा तो इस डिस्कवरी के ऊपर इसको पहली बार नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और उसके बाद सेकेंड नोबेल प्राइज इसने 1980 के अंदर हासिल किया जब इसने ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमिन किया कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए यानी किसी भी स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए में अगर आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इसने पहली बार इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की इस सीक्वेंस को डिटर्मिन करने की एक टेक्निक स्टैब्लिश की थी तो इस मैथड को सेंगस मैथड इस वजह से कहा जाता है ठीक है उसके बाद देखिए सेंगस मेथड में अभी मैंने जैसे आपको जिक्र किया था कि सेंगस मेथड में आप जो टारगेट पीस ऑफ डीएनए उसके कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स बनाने का मतलब है कि सपोज दिस इज योर टारगेट पीस ऑफ डीएनए जैसे आप सीक्वेंस करने जा रहे हैं जिसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप डिटर्मिन करना चाहते हैं तो इस टारगेट पीस ऑफ डीएनए की आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप जिस टेक्निक को यूज करते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड पीसीआर टेक्निक पीसीआर से आप ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हैं ठीक है हमने पिछले इसी चैप्टर के पिछले लेक्चर्स में आपको पीसीआर के बारे में एक्सप्लेन किया था तो पीसीआर टेक्निक में आपको याद होगा कि किसी टारगेट पीस ऑफ डीएनए को आप रेप्लीकेट करते हैं लेकिन यहां पर जो हम पीसीआर यूज करेंगे उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे यानी पीसीआर को हम डिफरेंट पॉइंट्स पर टर्मिनेट करेंगे जैसे आप इस टारगेट पीस ऑफ डीएनए का जब पीसीआर करना शुरू करते हैं तो पहली बार जो पहली साइकिल होगी पीसीआर की उसको आप आफ्टर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टर्मिनेट कर देंगे यानी पहला न्यूक्लियोटाइड यहां पर जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी जैसे इनकॉर्पोरेट होता है तो आप रेप्लीकेशन यहां पे ब्रेक कर देंगे फिर इसी तरह से दोबारा से आप इसकी रेप्लीकेशन को इनिशिएट करते हैं यानी सेकेंड साइकिल ऑफ पीसीआर स्टार्ट होती है और जी के अपोजिट सी आता है और के पोजिट ए आता है तो रेप्लीकेशन को या पीसीआर साइकिल को आप यहां पर टर्मिनेट कर देते हैं फिर थर्ड साइकिल स्टार्ट होती है और एप्लीकेशन फिर इनिशिएट होगी जी के के और फिर टी के पॉजिट ए तो रेप्लीकेशन को अब की दफा आप यहां पर टर्मिनेट करेंगे तो इस तरह से आप हर दफा डिफरेंट पॉइंट पर एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके यानी पीसीआर साइकिल्स को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टर्मिनेट करके आप अपने रिक्वायर्ड फ्रेगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हर एक फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा लेकिन उनका एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा तो इस तरह से आप ये जो पहला स्टेप था उसको अचीव कर सकते हैं लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पीसीआर को हम डिफरेंट पॉइंट पर टर्मिनेट कैसे करेंगे ठीक है बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि हम डिफरेंट पॉइंट पर इसको रोक लेंगे रोक लेंगे लेकिन ये ऐसा मुमकिन होगा कैसे तो इस के लिए यहां पर एक खास किस्म का न्यूक्लियोटाइड हम यूज करते हैं दैट न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज डी डी एन टी पी तो ये डी डी एन टी पी दरअसल क्या होता है डी डी एन टी पी इसमें दो जगहों पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है एक सेकंड प्राइम कार्बन पर और दूसरा थ्री प्राइम कार्बन पर तो इसको आप सेकेंड प्राइम थ्री प्राइम डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं डाइडियोक्सी di न्यूक्लियोटाइड याद रखिए ये डाइडियोक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जब हम ट्राइफॉस्फेट वर्ड यूज करते हैं तो फिर टी नहीं यहां पर एस लगाया जाएगा तो ये टू थ्री डाइडियोक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसे कहेंगे या फिर अगर आपने ट्राइफॉस्फेट वर्ड एड नहीं करना तो सिंपली आप इसको टू थ्री डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं जैसे ये जो पूरा नाम लिखा हुआ इसका डी डी एन टीपी सो दिस इज डाई डीओक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ठीक है राइबो न्यूक्लियोसाइड नॉट टाइड राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जब भी आप ट्राइफॉस्फेट अलहदा से बोलते हैं तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड वर्ड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा तो डी डी एन टीपी स्टैंड फॉर डाइडियक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तो ये डाई डाइडियक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड विच आर डी एन टीपीज डीएन टीपी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ठीक है तो इस डी ऑक्सीर आइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में और डाइडियक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में बेसिकली डिफरेंस है क्या वो डिफरेंस दरअसल थ्री प्राइम कार्बन पर डिफरेंस पाया जाता है नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ सेकंड प्राइम कार्बन पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर थ्री प्राइम कार्बन पर भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट है यानी आप इसको अगर कंपेयर करें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के साथ तो आप देखिए कि इस वक्त ये जो आपके सामने न्यूक्लियोटाइड है दिस इज अ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड डी एन टी पी इज अ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड और इस नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हैं कि थ्री प्राइम कार्बन पर ओ ग्रुप इंटेक्ट है लेकिन सेकंड प्राइम कार्बन पर ओ की जगह एच प्रेजेंट है इसका मतलब है कि एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि नॉर्मल डी ऑक्सी के अंदर यहां पर सेकेंड प्राइम कार्बन पर एच होता है ओ OH एच नहीं होता जबकि राइबो न्यूक्लियोटाइड में यहां पर ओ OH एच होता है ठीक है आर एन ए केस में जो राइबोस शुगर यहां पर यूज हुई होगी उसमें यहां पर ओ OH एच होगा जबकि चूंकि ये एक डी राइबो न्यूक्लियोटाइड है तो इस केस में यहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा जबकि थ्री प्राइम ओ एच ग्रुप यहां पर जरूर प्रेजेंट होगा लेकिन ये जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड जिसको हमने इस टेक्निक में यूज करना है दिस मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड इज नॉट ओनली ऑक्सीजन डेफिशिएंट एट टू प्राइम कार्बन बट इट इज आल्सो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एट प्राइम कार्बन यानी यहां पर प्राइम कार्बन पर के बजाय सिर्फ एच मौजूद है सो so, ये आपको नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के मुकाबले में इस डी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ठीक है तो इस डिफरेंस की वजह से ये चेन टर्मिनेट करने की सलाहियत रखता है वो कैसे वो इस तरह से कि आप जरा देखिए कि ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होकर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे और ये चेन इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है आप देखिए इस न्यूक्लियोटाइड का ये एंड फाइव प्राइम एंड है और ये एंड थ्री प्राइम एंड है तो थ्री प्राइम एंड पर ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्पेट ग्रुप यूं ऐड होकर तो इस तरह से चेन को एक्सटेंड कर रहा है उसके बाद फिर फर्दर आप देखिए चेन एक्सटेंड होगी तो ये थ्री प्राइम कार्बन पर ओ एच ग्रुप नजर आ रहा है चूकी एक नॉर्मल न्यूक्लियोडाइड है तो यहां पर ये थ्री प्राइम कार्बन पर ओ ग्रुप प्रेजेंट है अब नया न्यूक्लियोडाइड इसके साथ अगर इंसर्ट होना चाहेगा तो वो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल है अगर यहां पर ओएच OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इस OH ग्रुप का इंट्रैक्शन इसके साथ होता है और उसके नतीजे में ये दो टर्मिनल फॉस्फेट यहां से लूज हो जाते हैं और ये फॉस्फेट यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए लिंक हो जाता है यानी चेन आगे फर्दर ग्रो कर सकती है लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड यहां पर इंसर्ट हो जाता है ये देखिए ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड था अगर इसकी जगह पर इस तरह का ये डी डी एन टी यहाँ पर इंसर्ट हो जाए जिसके थ्री प्राइम कार्बन पर ओएच OH ग्रुप ना हो सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो अगर ये इस तरह का ओएच OH ग्रुप इस जगह पर एबसेंट हो तो ऐसी सूरत में न्यू न्यूक्लियोटाइड इसके साथ इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी चेन की ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि उस चेन का आखिरी न्यूक्लियोटाइड ऐसा हो जिसके थ्री प्राइम कार्बन पर ओ ग्रुप हो ताकि नया न्यूक्लियोटाइड उसके साथ अगर इंसर्ट होना चाहे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिल्कुल ईजिली पॉसिबल हो लेकिन अगर ये डी डी एन टी पी यहां पर इंसर्ट हो गया तो इसके इंसर्ट होने के बाद रेप्लीकेशन यहां पे आके रुक जाएगी फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा और इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाएगी तो ये जो डी डी एन टी पी होते हैं अपने इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से एट थ्री प्राइम कार्बन इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से ये शन के दौरान जब भी इनकॉर्पोरेट होते हैं तो ये को टर्मिनेट कर देते हैं यही वजह है कि हम इस तरह के को यूज करके अपनी मर्जी की जगह पर इनको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे और रेप्लीकेशन को टर्मिनेट कर पाएंगे इनको किस तरह से हमने यूज करना है कैसे ये रेप्लीकेशन को टर्मिनेट करेंगे इसको जरा हम फर्दर डिटेल में देखते हैं तब आपको ये बात समझ में आएगी अभी मुझे यकीन है कि आपको पूरी तरह से यह कहानी क्लियर नहीं होती हुई नजर आ रही लेकिन अभी ग्रेजुअली देखिएगा ये सारी स्टोरी वाजे होकर आपके सामने आ जाएगी देखिए हमने इस मकसद के लिए जो डी डी एन यूज करने ना वो चार किस्म के डी डी एन टी होंगे जिस तरह से नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड भी चार किस्म के होते हैं इसी तरह से ये जो डी डी एन टी पीज डीडी एन ये भी चार किस्म के हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस यानी अगर ये नाइट्रोजनस बेस एडमिन है तो फिर यह डीडी एन बन जाएगा अगर ये नाइट्रोजनस बेस ग्वानीन है तो फिर यह डीडी एन बन जाएगा और अगर ये नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है तो फिर ये डीडीसी और अगर थाइमीन है तो फिर डी तो ये चार किस्म के डी हैं जिनको हम टर्मिनेटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं ठीक है आपने यकीन एक मूवी देखी होगी टर्मिनेटर तो ये टर्मिनेटर को आप यकीनन जानते होंगे तो ये देखिए ये चार किस्म के ये टर्मिनेटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने यहां पर यूज करना है इन ऑर्डर टू ब्रेक द रेप्लीकेशन एट डिफरेंट पॉइंट देखिए इसको हमने इस तरह से यूज करना है कि ये सपोज कीजिए कि आपका टारगेट पीस ऑफ डीएनए ये इस वक्त टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा और इसका सीक्वेंस हमें मालूम नहीं है हमने इस वक्त फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर यह सीक्वेंस लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली आप याद रखिए कि यह सीक्वेंस आपको पता नहीं होता ठीक है तो अगर आपको सीक्वेंस पता नहीं है तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि आप इसको पीसीआर भी नहीं कर सकते आपने पीसीआर टेक्निक में ये देखा होगा कि लाजमी तौर पर हमें कोई प्राइमर वहां पर एड करना होता है जो कि आपके टेम्पलेट के किसी एंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो ताकि उस प्राइमर के आगे फिर वो टैग पॉलीमरेज वर्क कर सके लेकिन चूंकि आपको इस फ्रेगमेंट का सीक्वेंस बिल्कुल से पता ही नहीं है तो आप ऐसी सूरत में फिर इसे आर कैसे करेंगे तो इस प्रॉब्लम का हल इस तरह से निकाला गया है कि सबसे पहले आप इस टारगेट पीस ऑफ डीएनए को जिसका सीक्वेंस अननोन होता है इसके थ्री प्राइम एंड के ऊपर आप एक टैग इंसर्ट कर देते हैं दिस इंसर्शन ऑफ द टैग एट थ्री प्राइम एंड इज कॉट टैगिंग यानी आप सबसे पहले तो टैगिंग कर लेंगे अपने उस टारगेट पीस ऑफ डीएनए की ताकि आप उसको पीसीआर टेक्निक में यूज कर सकें ताकि आप उसकी रेप्लीकेशन करवा सकें पीसीआर टेक्निक में जब आप उसके साथ इस तरह से टैग अटैच कर लेंगे तो फिर आप उस टैग का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर भी डिजाइन कर सकेंगे क्योंकि टैग एक नॉन सीक्वेंस है जिसका आपको ऑलरेडी पता है कि इस टैग के अंदर यह सीक्वेंस है तो इस नॉन सीक्वेंस की वजह से अब आप एक अप्रोप्रिएट प्राइमर डिजाइन कर पाएंगे और उस प्राइमर को यूज करते हुए आपने फिर इसको पीसीआर के लिए आगे प्रोसीड करना है अच्छा यहां पर याद रहे कि अनलाइक नॉर्मल पीसीआर टेक्निक यहां पर सिर्फ ओनली वन काइंड ऑफ प्राइमर विल बी यूज आपको मैंने पीसीआर टेक्निक में बताया था कि आमतौर पर जब हमने जीन क्लोनिंग के लिए पी यूज करना होता है तो ऐसी सूरत में टू काइंड ऑफ प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं तो यहां पर वन काइंड ऑफ प्राइमर रिक्वायर्ड होगा वो क्यों वो इस वजह से कि हमने सिंगल स्टैंड को दरअसल यहां पर रेप्लीकेट करवाना है यहां पर दोनों स्टैंड को रेप्लीकेट नहीं करवाना मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यह बात समझाई थी कि डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक के अंदर डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक के अंदर आपको दोनों स्टैंड रिक्वायर्ड नहीं होते डीएनए के कि कोई भी एक स्ट्रैंड आपको चाहिए होगा सीक्वेंसिंग के लिए और अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चल जाए तो आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि दूसरा स्ट्रैंड लाजमी तौर पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा लिहाजा आप दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी इजीली डिटरमिन कर सकते हैं ठीक है तो हमें इसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड दरकार होता है और इसी एक स्ट्रैंड की वजह से आपको प्राइमर भी फिर एक ही चाहिए होगा दो प्राइमर यहां पर रिक्वायर्ड नहीं होंगे यानी यहां पर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर का कोई चक्कर नहीं है अच्छा अब उसके बाद देखिए कि इन इसको फर्दर हमने कैसे प्रोसीड करना है आपने सबसे पहले पीसीआर मिक्सचर प्रिपेयर करना है और पीसीआर मिक्सचर के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये टैग्ड डीएनए यानी वो जो टेम्पलेट डीएनए जिसका सीक्वेंस अन नोन था उसके साथ टैग लगाया जा चुका है तो ये टैग्ड डीएनए चाहिए होगा इसके साथ आपको प्राइमर रिक्वायर्ड होंगे ठीक है प्राइमर्स के साथ साथ आपको टैक पॉलीमरेज चाहिए होगा जो कि पीसीआर परफॉर्म करता है टैक पॉलीमरेज आपको याद होगा कि ये डी पॉलीमरेज की वो टाइप है जो हम थर्मसिकस से हासिल करते हैं और इसे पीसीआर में यूज करते हैं तो टैक पॉलीमरेज हमें यहां पे रिक्वायर्ड होगा और इसके अलावा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे ये डी एन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनकी चार डी ए टीपी डी सी टीपी, टीपी और डी दी टी तो दीज आर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ये चारों किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे पॉलीमरेज प्राइमर और इसके साथ साथ ये टैग किया हुआ टेम्पलेट डीएनए दरकार है इन तमाम चीजों को एज यूजल हम किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर जो कि आपको पीसीआर टेक्निक में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है एक बफर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं और इस तरह से इनको ऐड करके आप बना लेते हैं पीसीआर मिक्सचर ठीक है बफर के अंदर इसको ऐड करके तो आप एक पीसीआर मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे नाउ दिस पीसीआर मिक्सचर इज डिवाइडेड इंटू फोर ट्यूब्स आप इनको इस तरह से चार ट्यूब्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे पहले आपने ये पीसीआर मिक्सचर रेडी करना है और पीसीआर मिक्सचर रेडी करके आप इसको चार ट्यूब्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस परपज के लिए याद रखिए कि ये सिर्फ एक सिंगल टेम्पलेट डीएनए नहीं था इस टेम्पलेट डीएनए की भी सेवरल कॉपीज होंगी और हर एक को आपने ऑलरेडी टैग किया होगा इसी तरह से आपके पास ये जो प्राइमर है उसकी भी सेवरल कॉपीज होंगी और प्राइमर के साथ साथ फिर इसी तरह से टैग पॉलीमरेज उसकी भी सेवरल कॉपीज होंगी और इसी तरह से ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स की भी सेवरल कॉपीज हैं तो इन तमाम को आप इकट्ठा मिक्स करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन फोर टेस्ट ट्यूब्स अब आप बताइए कि इन चारों टेस्ट ट्यूब की कंपोजिशन में क्या फर्क है क्या आपको इन चारों टेस्ट ट्यूब की कंपोजिशन में कोई फर्क नजर आ रहा है ये अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सारा कुछ मिक्स करके हम इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में ऐड कर देंगे तो क्या आपको इन चारों टेस्ट ट्यूब्स की कंपोजिशन में कोई फर्क नजर आ रहा है नहीं, कोई फर्क नहीं, 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 नहीं।, नहीं है हमने असल में ये पीसीआर मिक्सचर पहले प्रिपेयर करके उसके बाद फिर इक्वली चारों ट्यूब्स के अंदर डाला इस वजह से कोई फर्क नहीं है लेकिन हम इनमें फ़र्क क्रिएट करेंगे और वो फ़र्क कैसे क्रिएट करेंगे कि हम इनके अंदर वो जो डी डी एन टी पी एड करेंगे वो डिफरेंट काइंड के होंगे यानी चारों ट्यूब्स के अंदर एक अलग किस्म का डी डी एन टी पी एड किया जाएगा देखो इसके अंदर आप डी डी ए टी पी एड करेंगे इसके अंदर डी डी जी टी पी और इसके अंदर डी डी सी टी पी और, और यहाँ पर डी डी टी टी पी अब आपसे अगर पूछा जाए कि इन ट्यूब्स के अंदर क्या फ़र्क है कंपोजिशन के लिहाज से तो आपने बताना है कि इनमें बकाया सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक जैसे हैं यानी चारों के अंदर टेम्पलेट डीएनए अलोंग विद टैग प्राइमर्स टैग पॉलीमरेज फ्री न्यूक्लियोटाइड और बफर ये चारों ट्यूब्स के अंदर मौजूद है लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वो है डी डी एन टी पी और वो चारों ट्यूब के अंदर एक अलग किस्म का डी डी एन टी पी है यही वजह है कि हमने यहां पर ये चार मुख्तल किस्म की ट्यूब्स यूज किए हैं अच्छा यहाँ पर एक और बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो डी डी एन टी पी मैंने आपको बताया है डी डी एन टी पी जिसकी फोर काइंड्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दिस डीडीएनटीपी एन टी पी विल बी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड दिस वुड बी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होने का मतलब क्या है कि दरअसल इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने ऐड किया हुआ है ये जो ddntps को बनाने के लिए कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप हमने यूज किया हुआ है इस वजह से ये ddntps की चारों اقسام ये रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है ये इस वजह से हमने इनकी लेबलिंग कर दी ऑलरेडी ताकि आगे जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे उन फ्रेगमेंट्स के एंड पर लाजमी इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा तो इस वजह से उन फ्रेगमेंट्स को फिर आगे आइडेंटिफाई करना आसान होगा अगर उन फ्रेगमेंट के एंड रेडियो लेबल डी डी एन प्रेजेंट होगा तो उनको फिर आइडेंटिफाई करना आसान होगा बहरहाल अभी आपको आगे चलकर ये बात समझ में आ जाएगी अच्छा तो अब जब आपके पास ये मिक्सचर इन फोर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद आप इसको थर्मोसाइक्लर के अंदर प्लेस करते हैं ठीक है जिस तरह से आमतौर पर पीसीआर टेक्निक परफॉर्म की जाती है उसी तरह से इन चारों ट्यूब्स को थर्मोसाइकुलर में प्लेस करेंगे और वहां पर फिर इन चारों ट्यूब्स के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा पीसीआर रिएक्शन जो इन चारों ट्यूब्स के अंदर प्रोसीड करेगा वो किस तरह का रिएक्शन होगा जरा उसको इमेजिन करते हैं मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये चार ट्यूब्स हैं और इन चारों ट्यूब्स के अंदर पीसीआर रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है जब आप इन ट्यूब्स को थर्मोसाइकुलर के अंदर प्लेस कर देते हैं तो पीसीआर रिएक्शन पहली ट्यूब के अंदर किस तरह से प्रोसीड होता है इसको हम जरा इमेजिन करते हैं फिर दूसरी ट्यूब के अंदर कैसे प्रोसीड होगा उसको इमेजिन करते हैं और इन चारों के बारे में आपको बताते हैं ये बहुत ही क्रुशल स्टेप है इसको जरा गौर से देखिए आप देखिए कि ये इस वक्त हमारे पास ये है टेम्पलेट डी जिसका सीक्वेंस आपको याद होगा कि हमने अभी कहा था कि इसका सीक्वेंस अनोन है ठीक है हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका सीक्वेंस यहां पे लिखा हुआ है बट एक्चुअली वी डोंट नो द सीक्वेंस ऑफ दिस टेम्पलेट डी हमने सिर्फ ये यह यहां पर अंडरस्टैंडिंग की गर्ज से इसको यहां पे नोट डाउन किया हुआ है ताकि हमें बात समझ में आ सके और दूसरी तरफ आप देखिए कि ये ग्रीन कलर में जो हमने एक टैग के साथ अटैच किया है दिस टैग कंसिस्ट ऑफ नोन सीक्वेंस ये टैग नॉन सीक्वेंस पर मुश्तमिल है और इसी वजह से हमने इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर था वो इन ट्यूब्स के अंदर ऐड किया हुआ है और उस कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर के अगेंस्ट जब टैग पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करेगा तो ये इस सीक्वेंस में ये इंसर्शन होगी जी के अपोजिट अपोजिट सी टी के ए और फिर टी के अपोजिट ए इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगा ठीक है जी तो अब आप देखिए कि पहले ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो कैसे हो रहा है आप इस वक्त ये ये जो स्ट्रेंड आपको दिखाया ना इस स्ट्रेंड को एक दफा आप इग्नोर कर दें आप अज्यूम करें कि ये जो पहली ट्यूब है द ट्यूब वन जी बेटा जो आपने ये टैग किया ए सी आई हमेशा यही रहेगा ना ना ये जो टैग होता है ना ये भी बेटे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टैग लगा सकते हैं बस मकसद ये होता है कि टैग कोई ऐसा फ्रेगमेंट हो जिसका सीक्वेंस आपको पता हो ठीक है क्योंकि आपने उस टैग का कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डिजाइन करना होता है अगर आपको टैग का पता नहीं होगा तो आप प्राइमर नहीं बना सकेंगे लिहाजा टैग का सीक्वेंस पता होना जरूरी है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि टैग हमेशा AACA पर होगा, ठीक है? ये ऐसा हरगिज नहीं है कि हमेशा टैग आपने यही सीक्वेंस यूज करना है कोई और जेड सीक्वेंस भी हो सकता है लेकिन जो भी सीक्वेंस होगा वो पता होना चाहिए और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप प्राइमर भी बनाएंगे ठीक है तो यह मकसद है टैग का कोई मत, कोई भी मतलब कुछ... कोई भी लगा सकते हैं कोई भी या, यानी कोई भी रेंडमली कोई भी सीक्वेंस आपने उसको एज अ टैग इसके साथ जोड़ना है यानी टैग आपको कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको पहले से पता है देखो आपके पास कोई प्रोडक्ट बनती है ना तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप कोई लेबल इस तरह लगा देते हैं कि भाई ये फ्लाप प्रोडक्ट है ठीक है तो वो जो लेबल है वो असल में टैग कहलाता है टैग तो इसी तरह से देखो ये ये आगे अननोन प्रोडक्ट है ना ये जो टेम्पलेट डीएनएन इसका सीक्वेंस हमें पता नहीं तो हम इसको रिक्नाइज करने के लिए इसके साथ एक नोन सीक्वेंस एड कर रहे हैं ताकि हम इसको फर्दर आगे यूटिलाइज कर सके समझ आ रही बात गुड yes, सर जी बेटा सर ये डीएनए ये सीक्वेंस पता तो फिर ये नीचे इसके कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाए अभी ठहर जाए ना मैंने अभी आपको इसीलिए कहा कि आप एक दफा इसको इग्नोर कर दें ठीक है ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख दिया है लेकिन अभी आप सपोज करें इसको आप इग्नोर कर दें आप ठीक है मैं अभी आपको यही बात समझाने वाला हूं कि इन ट्यूब्स के अंदर यहां पर आगे हो क्या रहा है आप अभी अगला ये पूरा जो स्टेप है इसको देखें तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ जाएगी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ठीक है yes, चले आप जरा इधर तवज्जो कीजिए देखिए बेटा कि सपोज करो कि ये जो पहली ट्यूब है पहली ट्यूब के अंदर ये टैग किया हुआ टेम्पलेट डीएनए मौजूद है और इसके अंदर प्राइमर भी मौजूद है इसके अंदर टैक पॉलीमरेज भी मौजूद है इसके अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर सारा कुछ ऐड किया हुआ है और जो इसमें डी डी एन टी पी प्रेजेंट है वो कौन से वाला डी डी एन टी पी है इसके पास डी डी ए टी पी है आप जरा इमेजिन करें कि इस पहली ट्यूब के अंदर एप्लीकेशन का आगाज होता है फर्स्ट पी सी आर साइकिल इसमें स्टार्ट होती है और फर्स्ट पी सी आर साइकिल के दौरान क्या होता है कि टैग के कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर आकर अटैच करेगा जैसे ही प्राइमर अटैच करेगा तो जो इसमें डीएनए एंजाइम ए टैग पॉलीमरेज वो इसको आगे रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा आप इमेजिन करें कि सपोज करो ये जो टेम्पलेट डीएनए इसका ये सीक्वेंस है जी तो जी के अपोजिट यहां पर क्या आना चाहिए जी के अपोजिट सी ठीक है और फिर टी के अपोजिट क्या आना चाहिए ए गुड अब देखो इस पहली ट्यूब के अंदर पहली ट्यूब के अंदर ए वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो दो किस्म के हैं एक ए वाला न्यूक्लियोटाइड है डी डी ए टीपी और दूसरा इसमें ए टाइप का जो न्यूक्लियोटाइड है वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम डी ए टीपी कहते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की चारों अकसाम इसके अंदर ऐड की हुई है ना तो उन चारों अकसाम में डी ए टी पी भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर डी डी ए टी पी भी मौजूद है अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेकेंड पॉइंट है दिस सेकेंड पॉइंट इस सेकेंड पॉइंट पर अगर तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट होता है तो क्या रेप्लीकेशन यहां पर टर्मिनेट होनी चाहिए नो वेरी गुड लेकिन अगर इस सेकेंड पॉइंट के ऊपर बाई चांस ये डी डी ए एड हो गया तो क्या इसके आगे नया न्यूक्लियोटाइड फिर इंसर्ट हो पाएगा नो no, अभी आपको मैंने समझाया था कि डी डी ए टी पी चूंकि थ्री प्राइम एंड के ऊपर ओ OH एच ग्रुप कंटेन नहीं करता इस वजह से अगर यह किसी जगह पर इंसर्ट हो जाए तो उससे अगला न्यूक्लियोटाइड फिर एड नहीं होता और रेप्लीकेशन उस पॉइंट पर रुक जाती है तो आप यह याद रखो कि अगर बाई चांस अगर बाय चांस इस सेकंड पॉइंट पर यह जहां पर मैंने एरो लगाया इस सेकंड पॉइंट पर अगर ये डी डी ए टी पी एड हो जाता है तो ऐसी सूरत में रेप्लिकेशन इस पॉइंट पर रुक सकती है ठीक है इस पॉइंट पर रेप्लिकेशन के टर्मिनेट होने का चांस मौजूद है इस पहली ट्यूब के अंदर आप इमेजिन कर रहे हैं कि पहली ट्यूब में अगर ये टेम्पलेट डीएनए इस तरह का है तो पहली ट्यूब के अंदर रेप्लिकेशन के टर्मिनेट होने का चांस ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड पर होगा लिहाजा इसमें जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट बनेगा वो ये इस तरह का फ्रेगमेंट होगा जिसमें ये पहला न्यूक्लियोटाइड सी और उससे अगला न्यूक्लियोटाइड ए आया और ये कौन से वाला ए है ये डी डी ए है जिसकी वजह से रेप्लीकेशन यहां पे टर्मिनेट हो गई और आप ये देख रहे हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमल ये फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हुआ है आप ये प्राइमर को एक दफा इग्नोर कर दें आप इसको यूं अज्यूम करें कि दो न्यूक्लियोटाइड पर ये एक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हुआ अब दोबारा से देखिए दोबारा से देखिए इस पहली ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है टाइम फिर दोबारा पीसीआर साइकिल स्टार्ट होगी आपको पता है ना कि पीसीआर बार बार रिपीट होता है उसको इसी से कहते हैं कि उसमें बार बार वो एक्टिविटी रिवाइज होती है अब दोबारा फिर एप्लीकेशन का अगर आगाज होता है इसी टेम्पलेट के टैग के अगेंस्ट एक प्राइमर अटैच होगा और प्राइमर के अगेंस्ट फिर दोबारा से ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होने लगते हैं तो सेकेंड टाइम हो सकता है कि ये जी के अपोजिट इस तरह से सी आए और टी के अपोजिट ए लेकिन सेकेंड टाइम हो सकता है कि ये नॉर्मल ए आ जाए ठीक है और ये भी हो सकता है कि सेकेंड टाइम दोबारा डी डी ए आ जाए अगर दोबारा डी डी ए आ गया तो रेप्लिकेशन एक बार फिर यहां पे रुक जाएगी और अगर ये नॉर्मल डी आया तो स्टॉप नहीं होगी इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम भी ऐसा फ्रेगमेंट बन सकता है और नहीं भी बन सकता समझ आ रही बात दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां पर एप्लीकेशन स्टॉप हो भी सकती है और नहीं भी अगर सपोज कीजिए कि सेकंड टाइम यहां पर एप्लीकेशन स्टॉप नहीं हुई इस पॉइंट के ऊपर बल्कि ये अगला न्यूक्लियोटाइड जो था यानी यहां पर इस जगह पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है डी ए लेकिन उसके बाद जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड होना था इतफाक से वो भी ए ऐड होना है यहां पर तो अब अगर थर्ड पॉइंट पर सपोज करो कि डी डी हो गया तो डी डी होने से रेप्लीकेशन क्या यहां पर टर्मिनेट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सेकेंड लेंथ का फ्रेगमेंट बनेगा वो थ्री न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट होगा यानी उसमें ये सी ए ये वाला फ्रेगमेंट होगा उसमें ये जो आखिरी ए है ये दरअसल एक डी डी ए टीपी होगा तो इस तरह से इस जगह पर भी रेप्लीकेशन के टर्मिनेट होने का चांस है उसके बाद फिर दोबारा थर्ड साइकिल शुरू होती है सपोज करें जी बेटा अच्छा सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट आप कह रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट बन सकता है Yes, अभी आगे देखिए अभी आगे देखिए बेटा अभी आपको ये ऐसा ऐसा पूरी टेक्निक समझ में आ जाएगी थोड़ा सा हौसला रखना है ठीक है जो जो मैं बातें बता रहा हूं ना उसको जरा गौर से सुने समझे माइंड में एनालाइज करें आप देखिए कि इस टेक्निक के ऊपर सैंगर को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था ठीक है तो उसकी वो नोबेल प्राइज वाली टेक्निक को समझने के लिए फिर माइंड भी तो चाहिए होगा ना तो ये टेक्निक इतनी आसान नहीं है आप इसको थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करें ये देखिए आपके सामने खुद ब खुद ये सारी चीज वाजे होकर आ जाएगी ठीक है बच्चे अभी जरा देखते जाओ अब आप देखो कि इस पहली ट्यूब के अंदर ये दो साइकिल्स परफॉर्म हो चुकी हैं पहली साइकिल सपोज कीजिए कि ये सेकंड पॉइंट पे टर्मिनेट हुई थी ये वाला फ्रेगमेंट बना फिर दूसरी साइकिल शुरू हुई तो वो थर्ड पॉइंट पे टर्मिनेट हो गई तो ये फ्रेगमेंट बना अब सपोज करो कि तीसरी साइकिल शुरू होती है तो तीसरी साइकिल उसमें क्या होगा फिर इसी तरह से ये टैग के अपोजिट प्राइमर अटैच होगा प्राइमर के आगे जी के अगेंस्ट सी इंसर्ट होगा टी के अगेंस्ट ए सपोज कीजिए कि थर्ड साइकिल में ये वाला जो ए है ये भी डी ए टी पी इंसर्ट हुआ है यानी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड रेप्लीकेशन यहां टर्मिनेट नहीं हो रही और उसके बाद फिर ये थर्ड पॉइंट पर भी जो ए एड हुआ है वो नॉर्मल ए है दैट इज डी ए टी पी और एप्लीकेशन इस जगह पर भी टर्मिनेट नहीं हुई ठीक है तो इस तरह से अगर ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो तो रेप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं होनी अच्छा अब देखिए कि थर्ड साइकिल में आगे फिर ए के अगेंस्ट टी आएगा फिर सी के अगेंस्ट जी फिर सी के अगेंस्ट जी फिर जी के अगेंस्ट सी और फिर ये ए के अगेंस्ट टी और फिर आप देखिए नाइन्थ पॉइंट पर फिर यहां पर टी और इसके अगेंस्ट ए आ सकता है तो अब अब देखिए इस नाइन्थ पॉइंट पर अगेन ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इस नाइन्थ पॉइंट पर डी डी ए टीपी आ गया तो क्या रेप्लीकेशन यहां पर टर्मिनेट हो सकती है नाइन्थ पॉइंट पर बिल्कुल हो सकती है इसका मतलब है कि इस ट्यूब के अंदर जो थर्ड फ्रेगमेंट बनेगा वो ये नाइन न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल फ्रेगमेंट होगा जो यहां तक की लेंथ पर मुश्तमिल होगा ठीक है अगर सपोज करो कि यहां पर ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आता तो फिर ये वाला फ्रेगमेंट नहीं बनना था रेप्लीकेशन आगे मजीद कंटिन्यू रहती जी के अपोजिट सी आता सी के अपोजिट जी फिर जी के अपोजिट सी और टी के अपोजिट ए यानी ये थर्टींथ पॉइंट पर फिर दोबारा ए आने का चांस है तो अगर ये डी डी ए टी पी आ गया तो रेप्लीकेशन इस जगह पर भी टर्मिनेट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है यानी इसमें जो फोर्थ लेंथ का फ्रेगमेंट बनेगा वो ये थर्टी न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल फ्रेगमेंट होगा तो आपने बेटा याद रखना है कि इस पहली ट्यूब के अंदर हर वो फ्रेगमेंट बन सकता है जिसके एंड पर ए मौजूद हो यानी ए पर टर्मिनेट होने वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं यहां पर पॉसिबल हैं यहां पर यहां पर फिर इसी तरह से यहां पर और यहां पर ये रेप्लिकेशन टर्मिनेट होने का चांस है इन केस ऑफ दिस फर्स्ट ट्यूब आपको ये फर्स्ट ट्यूब की कहानी समझ आई ये फर्स्ट ट्यूब में क्या हुआ है अगर अगर बेटे सु, सुन ले गौर से अभी सवाल थोड़ी देर के लिए रोकिए उसके बाद पूछिएगा अगर बेटे सपोज कीजिए कि इस पहली ट्यूब के अंदर ये जो टेम्पलेट डीएनए जिसका ये सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है अगर यही सीक्वेंस हो सपोज करें तो फिर रेप्लीकेशन इस पहली ट्यूब के अंदर कौन कौन से पॉइंट पर टर्मिनेट हो सकती है इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो सकती है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो सकती है यानी टू थ्री नाइन और फोर थर्टीन के पॉइंट के ऊपर यह बात यहां तक समझ में आ गई है सवालों को रोक के रखना है बाकी चीजें अभी देखते जाए सवाल अभी आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे अच्छा बेटे उसके बाद देखो कि ये जो सेकंड ट्यूब है इसके अंदर क्या हो रहा है इस सेकंड ट्यूब में जिसके अंदर हमने जो डी डी एन एड किया हुआ वो कौन सी किस्म का है डी डी जी टी पी अब देखो यहां पर भी उसी प्रिंसिपल के तहत रेप्लीकेशन हो रही है यानी यहां पर क्या हो रहा है यहां पर भी इसी तरह से इस टेम्पलेट के टैग के अगेंस्ट प्राइमर अटैच होगा और प्राइमर के आगे जब डीएनए पॉलीमरेज रेप्लीकेशन परफॉर्म करेगा तो यह जी के अगेंस्ट क्या एड करेगा सी टी के अगेंस्ट ए टी के अगेंस्ट ए ए के अगेंस्ट टी फिर सी के अगेंस्ट जी जरा इस पॉइंट पे गौर कीजिए देखो ये जो सेकंड ट्यूब है इसके पास डीडी जी टीपी भी है और डी जी टीपी भी है डी जी टीपी एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऐड होने से रेप्लिकेशन टर्मिनेट नहीं होगी लेकिन डी डी जी टी पी एक डाइडक्सी न्यूक्लियोटाइड है जो रेप्लिकेशन को टर्मिनेट कर सकता है तो आप अज्यूम करें कि अगर डी डी जी टीपी पॉइंट पर ऐड हो गया तो क्या रेप्लिकेशन ये फिफ्थ पॉइंट पर टर्मिनेट हो सकती है बिल्कुल तो यहां पर देखो पहला फ्रेगमेंट यह फाइव पर मुश्किल होगा अब मुझे बताओ अब आपको मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई है बताओ इस सेकंड ट्यूब के अंदर सेकंड फ्रेगमेंट कौन सा बनेगा कितने फ्रेगमेंट कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल्स के ऊपर एग्जैक्टली तो दोबारा देखो इस ट्यूब के अंदर सिक्स के ऊपर एप्लीकेशन टर्मिनेट हो सकती है बताओ नेक्स्ट यहां पर एप्लीकेशन हो सकती है Yeah. के ऊपर बस आपने ये देखना है कि जहां पर भी जी आने का चांस है वहां पर एप्लीकेशन के टर्मिनेट होने का चांस है तो यहां पर इस ट्यूब के अंदर ये थ्री पॉसिबल लेंथ के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे एक ये फाइव के ऊपर दूसरा सिक्स के ऊपर और तीसरा आप देख रहे हैं ये इलेवन पॉइंट के ऊपर इज दैट क्लियर बिल्कुल इसी तरह से बेटे तीसरी ट्यूब के अंदर आप गेस कीजिए कि रेप्लीकेशन कहां कहां पर टर्मिनेट हो सकती है ठीक है यहां पर आपने देखना है कि जहां जहां पर सी आ सकता है वहां पर एप्लीकेशन टर्मिनेट हो सकती है क्योंकि इस के अंदर डी डी सी टीपी भी है और इसके अंदर डी सी टी पी भी है तो आप देखिए कि ये आ सकता है इस फर्स्ट पॉइंट पे आ सकता है उसके बाद फिर ये सेवेंथ के ऊपर टेन के ऊपर उसके बाद फिर ये ट्वेल्थ के ऊपर और फिर ये फोर्टीन के ऊपर और फिफ्टीन के ऊपर यानी ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट पॉसिबल हैं यानी एक ये वन न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट अभी जो बेटे आप पूछ रहे थे ना कि वन न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट पॉसिबल है तो आपने देख लिया कि ये पॉसिबल है बिल्कुल उसके बाद दूसरा सेवन न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट पॉसिबल है यहां पर फिर तीसरा ये टेन न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट पॉसिबल है चौथा ट्वेल्व न्यूक्लियोटाइड और फिर इसी तरह से फोर्टीन न्यूक्लियोटाइड एंड देन फिफ्टीन न्यूक्लियोटाइड तो ये सिक्स डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट इस ट्यूब के अंदर पॉसिबल हैं। अब इसी तरह मुझे बताइए कि आखिरी ट्यूब के अंदर जो फ्रेगमेंट बनेंगे वो कौन कौन से फ्रेगमेंट्स होंगे इसके अंदर आप देखिए डी डी टी, -टी -पी भी और डी टी टीपी है हाँ जी फोर एट शाबाश बस गुड। ठीक है तो फोर और एट ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स यहां पर इस ट्यूब के अंदर पॉसिबल हैं अब मेरे ख्याल में आपको यह स्टोरी सही समझ में आ गई है कि सपोज करो कि अगर टेम्पलेट ऐसा है तो इन चारों ट्यूब्स के अंदर जो रेप्लीकेशन होगी वो इस तरह से होगी और ये फ्रेगमेंट्स आपके पास आ जाएंगे अच्छा अब जब ये फ्रेगमेंट्स आ गए तो अब आप इन फ्रेगमेंट्स पे गौर कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा टारगेट क्या है हमने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि टेम्पलेट डीएनए के तमाम पॉसिबल लेंथ के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करने हर फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो ठीक है तो अब आप देखिए कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो फ्रेगमेंट होगा इसका वो कहां पर है वो यहां पर वन ठीक है टू वाला फ्रेगमेंट इस जगह पर मौजूद है थ्री वाला फ्रेगमेंट यहां पर है फोर फ्रेगमेंट फोर न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट मुश्तमिल वो इस जगह पर है फिर इसी तरह से फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर उसके बाद एट एट कहाँ गया ये और फिर नाइन और टेन इलेवन फिफ्टीन यानी आपने देखा तमाम पॉसिबल लेंथ के फ्रेगमेंट गए yes. और ये तमाम फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एंडिंग पॉइंट इनका डिफरेंट है ऐसा ही है yes, तो आपने देखा कि वो जो ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हमने इस तरह के फ्रेगमेंट्स बनाने जो हर एक फ्रेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो गया सेंगर मेथड के जरिए इस तरह से ये पहला ऑब्जेक्टिव अचीव होता है अच्छा अभी ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई जी बेटा सर अगर पहले न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास आ जाए तो फिर क्या होगा पहले न्यूक्लियोटाइड में प्राइमर के बाद प्राइमर के बाद यहां पर फर्स्ट अगर वो डी डी सी टीपी आ जाए तो वो फिर ये इस तरह रुक जाएगा ना देखो ये वाला आपको नजर आ रहा है ना ये डी डी सी टीपी है ना बेटा तो ये डी -डी -सी -टी पी एड हुआ तो रेप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं हुई यहीं पर रुक गई समझ आई बात तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट बना है अच्छा अब जरा देखिए बेटा जब ये डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट बन जाते हैं तो इनको हमने सेपरेट करना है बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो अब आप देखिए कि ये डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स का कलेक्शन इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर अलहदा अलहदा मौजूद है और इनको अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट आउट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपको ऑलरेडी ब्रीफ की हुई है उसमें आप देखिए ये आपने जेल शीट प्रिपेयर की और जेल शीट प्रिपेयर करके आपने इन चारों ट्यूब्स का सैंपल यहाँ पर लोड कर दिया आपने ये पहली लेन के अंदर यहाँ पर इस पहले वेल के अंदर ये डी डी ए टी पी वाली ट्यूब को ऐड कर दिया इसका सारा कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया इसी तरह से दूसरी ट्यूब का कलेक्शन आपने ये सेकंड वेल well के अंदर ऐड कर दिया तीसरी ट्यूब का कलेक्शन आपने थर्ड वेल well के अंदर ऐड कर दिया और चौथी ट्यूब का कलेक्शन आपने ये फोर्थ वेल well के अंदर ऐड कर दिया और उसके बाद आपने इसको सेपरेट करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो प्रोवाइड की है आपको याद होगा कि ये सैंपल की लोडिंग कौन से पोल पर की जाती है नेगेटिव पोल पर या पॉजिटिव पोल पर डीएनए को हम सेपरेट करने जा रहे हैं डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो कौन से पोल पर इसको लोड करना चाहिए गेस कीजिए नेगेटिव पोल नेगटिव पर तो ये नेगेटिव पोल है और जबकि दूसरी साइड पर कौन सा पोल है पॉजिटिव पोल तो जब आप इसको ये इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्टेब्लिश होगी और हर एक वेल के अंदर मौजूद सैंपल में मौजूद डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट हरकत करना शुरू कर देंगे ठीक है और आपको वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल याद होगा कि फ्रेगमेंट्स हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करते हैं स्ट्रेट लेन के अंदर मूव करते हैं ठीक है और जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है वो ज्यादा तेज मूव करता है और जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो स्लो मूव करता है ऐसा ही है ये सारी बातें आपको ऑलरेडी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ब्रीफ की हुई हैं इज दैट क्लियर अब आप गेस कीजिए कि इन चारों ट्यूब्स के सैंपल में से किस सैंपल के अंदर सबसे छोटे साइज का फ्रेगमेंट है यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड वाला फ्रेगमेंट कौन सी ट्यूब के अंदर है आप आप जरा देख के मुझे बताएं ये यहां पे दिखाए हुए थर्ड में तोर्ण में, में, में यानी सी सी इसको बोलें ठीक है तो ये सी वाली ट्यूब के अंदर सबसे छोटे साइज का फ्रेगमेंट यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट है और ये सबसे दूर जाएगा आप देखिए जा सी वाली लेन के अंदर सबसे दूर एक फ्रेगमेंट पहुंच गया है फ्रेगमेंट यहां पर जेल के अंदर आपको एक बैंड की शक्ल में नजर आ रहा है तो यह फ्रेगमेंट सबसे दूर चला गया समझ आई बात जेल के अंदर ये इस तरह से आपको फ्रेगमेंट अब दिखाई दे रहा है उसके बाद देखिए सेकंड हाईएस्ट लेंथ का जो फ्रेगमेंट है वो टू न्यूक्लियोटाइट होगा वो कौन सी ट्यूब के अंदर है वो ए के अंदर है तो देखिए उसके बाद फिर ये ए वाला फ्रेगमेंट आपको नजर आ रहा है अंडरस्टैंड उसके बाद फिर देखिए थर्ड यानी थ्री न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमल फ्रेगमेंट वो अगेन ए में तो ये तीसरे नंबर पर ये यानी आप जैसे जैसे यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुअली बड़े साइज के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं थ्री, उसके बाद फोर फोर कहां पर है तो फोर न्यूक्लियोडाइट का फ्रेगमेंट आपको ये टी में मिलेगा तो ये यहां पर है देखें उसके बाद फाइव तो फाइव ये यहां पर जी में सिक्स भी जी में फिर सेवन फिर एट ये इस तरह से बेटे ये सारे के सारे फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए जाएंगे ये आपको ये कहानी समझ में आई है कि सेपरेशन कैसे हुई है ये जब ये सेपरेशन हो जाती है और जेल के अंदर ये फ्रेगमेंट्स विजुलाइज़ कर लिए जाते हैं असल में जेल के अंदर जब इनको सेपरेट कर लिया जाता है ना तो इनको विजुलाइज़ करने के लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए आप जेल पैटर्न को विजुलाइज करते हैं ठीक है यानी जेल के अंदर जब ये फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे तो हमें नजर नहीं आ रहे होते क्योंकि ये के हैं तो ऑटो एक 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 है। तो है, रेडियोग्राफी तो रेडियो के बाद जब आपके पास पैटर्न आ जाएगा इस तरह से तो अब इस पैटर्न को आप रीड करेंगे आखिरी स्टेप क्या होता है डीएनए सिक्वेंसिंग टेक्निक में आपको शुरू में तीन स्टेप्स बताए थे डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट को प्रोड्यूस करना पहला स्टेप उसके बाद उनको सेपरेट आउट करना ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप क्या था रीडिंग ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम द जेल देखो रीडिंग कैसे की जाएगी आपने रीडिंग इस तरह से करनी है कि इस जेल के ऊपर आपने इस तरह से एक स्केल यहां पर प्लेस करना है ठीक है तो उस स्केल को आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर की तरफ यूं लेकर जलते जाएंगे जैसे ये आप एक स्केल यहां पर प्लेस करते हैं ऐसे करके ये सपोज करो कि एक स्केल है यहां पर आपने इसको ऐसे रखा और आपने देखा कि स्केल के साथ सबसे पहले कौन सा कौन सी लेन का बैंड टच कर रहा है सी का बैंड टच कर रहा है तो आप इसको यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे सी समझ आई बात सी उसके बाद फिर आपने उससे ऊपर स्केल को यूं इसके ऊपर मूव किया तो जैसे स्केल ऊपर मूव किया तो आप कौन सा बैंड टच कर रहा है इसके साथ ए तो ए, आपने इसको ए रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा बैंड है ए फिर आपने ए रिकॉर्ड कर लिया फिर टी फिर जी फिर जी इस तरह से आप इसको रीड करते चले जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू सीक्वेंस हमने लिखा हुआ है ये इस तरह से रीडिंग की गई है अच्छा आप ये याद रखिए बच्चों कि जब आप इस जेल में से सीक्वेंस को रीड करेंगे यू नीचे बॉटम से आपने रीड करते हुए जाना है तो आपने बॉटम से जब रीड करते हुए ऊपर की तरफ जाना है तो याद रखिए कि ये सीक्वेंस जो आपने रीड किया है ये इसका बॉटम एंड फाइव प्राइम एंड है बॉटम एंड लेकिन लेकिन बेटा या, याद रखिएगा कि ये जो आपने सीक्वेंस यहां से रीड किया ना ये ब्लू वाला सीक्वेंस ये एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस नहीं है यानी जिस फ्रेगमेंट को आपने सीक्वेंस किया ये वो नहीं है ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है

ए के अपजिट टी टी के अपॉजिट ए और इस तरह से आप इसको ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लें और ऊपर वाला एंड इसका फाइव प्राइम एंड हो गया अब आप देखिए कि ये जो रेड वाला सीक्वेंस है दिस इज योर एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस अब आप इसको कंपेयर करके देख लें कि आपके पास वो जो एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस था वो एक्जैक्टली यही टारगेट सीक्वेंस है जो आपने यहां से रीड किया है देखो जी टी टी ए सी सी तो यहां पर भी ये जी टी टी ए सी सी तो वही एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस हमने यहां पे हासिल कर लिया तो अब आपको यह टेक्निक समझ में आई है कि इस तरह से वो जो अननोन पीस ऑफ डीएनए यहां पर अगरचे हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सीक्वेंस पहले से लिख लिया था ताकि ये बात सही तरह में समझाई जा सके तो एक्चुअली ये सीक्वेंस पहले से लिखा नहीं होता हम जब ये पूरी टेक्निक परफॉर्म करके ये जेल पैटर्न को रीड करते हैं तो जो सीक्वेंस यहां से रीड होता है तो एग्जेक्टली exactly वही सीक्वेंस ये इस डीएनए के अंदर मौजूद होता है क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंटली कई दफा चेक किया जा चुका है यानी इस तरह के फ्रेगमेंट्स जिनका सीक्वेंस पहले से पता था उनको भी दोबारा सीक्वेंस कर करके देखा जा चुका है और ये टेक्निक 100% परसेंट बिल्कुल कामयाब है और इससे आप बिल्कुल किसी भी डीएनए का अननोन सीक्वेंस डिटरमिन कर सकते हैं ठीक है भाई तो अब आप कोई भी सवाल इसके हवाले से आपके जहन में उभरता है तो वो आप मुझसे पूछिए सर, जी सर ये जो प्राइमर है, इसके क्यों नहीं बन रहे है? अच्छा इसके फ्रेगमेंट क्यों नहीं बन रहे देखो बेटा ये जितने भी फ्रेगमेंट है ना हर एक के साथ ये प्राइमर जुड़ा हुआ है देखो हमने इसको जो लिखा है ना ये टू न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट है तो ये तो हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए टू लिखा है क्योंकि ये जो अनोन न्यूक्लियोटाइड है वो टू है बाकी जो प्राइमर वाले न्यूक्लियोटाइड वो तो इसके साथ है ही इसके साथ फिर देखो दूसरे फ्रेगमेंट में थ्री है तो बाकी प्राइमर तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है यानी हर एक फ्रेगमेंट के साथ प्राइमर तो लाजमी अटैच है ना यानी प्राइमर उसका पार्ट बन गया लेकिन हमने उसको इग्नोर किया हुआ उसको हमने कंसिडर नहीं किया लेकिन प्राइमर मौजूद जरूर है यहां पे समझ आ रही बात ये जो स्केल ऊपर लेकर जा रहे थे सर तो प्राइमर भी अटैच नहीं नहीं अभी तक आप समझे नहीं आप सपोज कर लो ये जैसे मैंने यहां से ये वन टू थ्री लिखा है ना वन टू थ्री के बजाय आप काउंट करेंगे प्राइमर में कितने हैं कितने है? फोर हैं ठीक वो. है ना फोर तो ये सपोज करो ये यहां से फाइव से शुरू हो रहा है फोर आप ये वन टू थ्री फोर ये यहां तक रखते हैं और इस जगह पर वन की जगह फाइव आ जाएगा फिर ये सिक्स सेवन यानी ये जो सबसे छोटे साइज का फ्रेगमेंट है ये सपोज करो फाइव न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट है उससे बड़े साइज साइज का 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 न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट है उससे बड़े का, आप समझ आइए बात यस सर yes. यानी प्राइमर तो हर एक के साथ मौजूद है हमने बस उसको बेटे इग्नोर किया हुआ था एक्चुअली वो प्राइमर है उसके साथ ये जो मैंने नंबरिंग लिखी है सिर्फ अननोन सीक्वेंस को रिपोर्ट करने के लिए नंबरिंग शो की है

इनमें कंपटीशन रहे तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट बताए ना कि ये 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 न्यूक्लियोटाइड का का एक एक फ्रेगमेंट नहीं है इसकी भी कई एक कॉपीज होंगी क्योंकि कई कई दफा इस पॉइंट पर ये एप्लीकेशन टर्मिनेट हुई होगी समझ आई बात गुड सर ये प्राइमर के अंदर

इस प्राइमर का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है उसके साथ ये प्राइमर जुड़ेगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज ने यहां पर एक्टिविटी शुरू करनी अब डीएनए पॉलीमरेज जब एक्टिविटी शुरू करेगा तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड वो वो ऐड ऐड करेगा मिसाल के तौर पर वो ये ये कर रहा है तो तो अगर तो नॉर्मल हुआ रेप्लीकेशन नहीं रुकेगी चलती रहेगी अगर तो ये पहला ही न्यूक्लियोटाइड एक डी हुआ तो रेप्लीकेशन इस पॉइंट पर रुक जाएगी तो इस तरह से करके रेप्लीकेशन हमेशा आगे ही रुकनी है प्राइमर से पहले तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता इज दैट क्लियर Yes, सर जी जी सर प्राइमर की जो अरेंजमेंट है जी अर इसका हमें पहले कैसे पता चलेगा कि चला अच्छा आप ये पूछा जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए बेटे ये इस तरह पता चलेगा कि जो आपने टैग इसके साथ अटैच किया है ना उसका सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए ना और वो टैग हमने इसीलिए अटैच किया कि हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर भी डिजाइन कर सकें यानी ये टैग का भी सीक्वेंस हमें पहले से पता है हमें ये प्राइमर का सीक्वेंस भी पहले से पता है समझ आ रही तो इन दोनों का सीक्वेंस हम पहले से जानते हैं और जो चीज नहीं जानते वो अगला सीक्वेंस है सर ये ना अगर डीडीसी प्राइमर के साथ अटैच हो जाए तो, तो बेटे प्राइमर के साथ जैसे ही अटैच होगा तो यहां पर एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं करेगी ना तो फिर ये वाला फ्रेगमेंट बनेगा ये भी नहीं बनना चाहिए। क्यों सर्थ? क्यों नहीं बनना चाहिए वो जो डी डी सी टीपी है वो यही तो है डी डी सी टीपी तो ये सी टी पी यहां पर तो तो मतलब बस अब आगे प्रोसीड नहीं होगी तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट जिसे हम सी फ्रेगमेंट कह रहे हैं वो यहां पर प्रोड्यूस हो सकता है बिल्कुल ठीक है हर चीज क्लियर हो गई सर जब हमें डीएनए की सीक्वेंस का नहीं पता जी तो सर ये कैसे पहले के जो हमने टैग तैयार किया है वो तो बिल्कुल डीएनए के साथ में जाकर अटैच हो बिल्कुल बेटे देखो आजकल ना ये चीज पॉसिबल है कि हम डीएनए को बिल्कुल प्यूरीफाइड फॉर्म में ना आइसोलेट कर सकते हैं बाकी चीजों से हम रहदा कर सकते हैं डीएनए को और बिल्कुल वो प्योर डीएनए होता है अगर अगरचे उसका सीक्वेंस हमें पता नहीं होता लेकिन वो प्योर फॉर्म में होता है अच्छा उसके बाद फिर हम कोई भी इस तरह से एक दूसरा फ्रेगमेंट तैयार करते हैं जिसको हम टैग कह रहे हैं वो नॉन सीक्वेंस होता है उसको तैयार करने के बाद आप इन दोनों को अन नॉन सीक्वेंस को और टैग को आप एक ट्यूब के अंदर डालें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेज एंजाइम याद है आपको लाइगेज अभी हमने yes, जीन क्लोनिंग में रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये लाइगेज एंजाइम की लाइगेज एंजाइम का रोल देखा था कि लाइगेज दो फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ सकता है तो अब इस तरह से ये जो अननोन पीस ऑफ डीएनए और ये नोन पीस ऑफ डीएनए दोनों को अगर हम इकट्ठा एक ट्यूब के अंदर लाइगेज की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या लाइगेज इनको आपस में जोड़ नहीं सकेगा आपको लाइगेज की एक्टिविटी याद है ना Yes, तो इस तरह से ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पहले किसी भी इंडिविजुअल का डी एन ए आइसोलेट करें उसके साथ फिर टैग को इंसर्ट करें जब वो टैग इंसर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर फर्दर आप उसको टेक्निक के लिए आगे प्रोसीड करेंगे देखो ये इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं कि ये चीजें हमें आँख से नजर कोई नहीं आ रही होती लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल प्रूफडे और ये सारी इमेजिनेशन के तहत ये सारा कुछ हो रहा होता है टैग हमने खुद खुद बना बना के के जी बिल्कुल ये इसमें हमने ऐड किया हुआ उसका सीक्वेंस हमें इसीलिए पता है ना कि वो हमने खुद से बनाया है वो सिंथेटिक फ्रेगमेंट है आपको याद होगा कि हम सिंथेटिकली न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर इस तरह से डीएनए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपको वो हाउ टू अपटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट के केस में आपको ये समझाया था कि आप इसको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं जीन को आप इसे एम से भी ड्राइव कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली क्लीव भी कर सकते हैं तीनों मेथड आपको बताए थे ना तो आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के जरिए आप इस तरह कोई भी पर्टिकुलर पीस ऑफ डी जनरेट कर सकते हैं ठीक yes, है भाई सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई अच्छा बच्चों अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो उसमें आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो इसमें इस केस में बेटा देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं जैसे खास तौर पर ये जेल पैटर्न आपको इस तरह दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको रीड करें तो अगर ये जेल पैटर्न दिया जाए तो आप उसको रीड कर लेंगे बिल्कुल तो आप उसको जब रीड करेंगे तो उसमें आपने ये डायरेक्शन जरूर मेंशन करनी है अगर आप डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में वो आंसर कंप्लीट नहीं होगा ठीक है अच्छा तो ये ये बेटा देखो जब आपसे ये रीडिंग का कहा जाएगा तो आपने गौर से देख लेना है कि सवाल के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है क्या आपसे एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस पूछा जा रहा है या आपसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा जा रहा है या सिर्फ जेल पैटर्न रीड करने को कहा जा रहा है अगर सिर्फ जेल पैटर्न रीड करने को कहा जा रहा है फिर तो ये सीक्वेंस सही है लेकिन अगर एक्चुअल टारगेट सीक्वेंस पूछा जा रहा है तो फिर अपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के आंसर देना है कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एक्चुअल टारगेट ठीक है जी तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ अल्लाह हाफिज डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल kindly इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो So, that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also, do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.